हम आपको बताएंगे कि आखिर मायावती के इंडिया गठबंधन में ना होने का क्या फायदा नुकसान हो सकता है और किसने कहा है कि हमने तो बुलाया ही नहीं। साथ ही साथ ये भी जानिए कि इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग 31 और 1 तारीख को होने जा रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है और क्या चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा ये भी जानिए कि आखिर किसने इस गठबंधन से पहले ही अखिलेश यादव को पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। सबसे पहले बात करते हैं मायावती की। बीएसपी को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। एक बड़ी खबर भी आई जो आपने आज के यूपी में ही देखी होगी, जो सोर्स के हवाले से खबर आई कि 40 सीटों को लेकर दावा मायावती ने की है कि उन्हें 40 सीटें चाहिए। और ये कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला के जरिए जो है वो साधा गया मायावती को और मायावती ने अपनी शर्त रखी। ये तमाम खबरें चल रही थी। खबरें सोशल मीडिया पर इस स्तर तक भी आ गई थी कि मायावती इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग यानी कि जो 31-1 तारीख को होने वाली है उसमें शामिल हो सकती है, लेकिन मायावती ने साफ इनकार कर दिया है। मायावती ने बड़े तल्ख ट्वीट किए हैं। मायावती ने ट्वीट करके लिखा है, एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी जातिवादी सांप्रदायिक धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टी है, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील है, नो फेक न्यूज। बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी चुनाव तथा 4 राज्यों के विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां न फैलाए। वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहां सभी आतुर, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षियों द्वारा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेकुलर और ना मिले तो भाजपाई, या घोर अनुचित तथा अंगूर मिल जाए ठीक वरना अंगूर खट्टे की कहावत जैसी। तो आपने मायावती के ट्वीट देखे जिसमें उन्होंने एक तरीके से पूरा एक निचोड़ दिया है और उन्होंने जिस तल्ख लहजे में बात की उससे ऐसा लगता है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, ये बहुत ही मुश्किल नजर आता है। इसकी बड़ी वजह और भी है। दरअसल जब यही सवाल महाविकास अघाड़ी यानी कि जो महाराष्ट्र में गठबंधन है इंडिया गठबंधन के तहत, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे की अपनी शिवसेना, शरद पवार की अपनी एनसीपी और कांग्रेस शामिल है, उसकी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार से पूछा गया कि भैया मायावती तो नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी बहुत ही दिलचस्प है। शरद पवार ने मराठी में कहा, जिसका तर्जुमा मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, कि मायावती ने अभी भी बीजेपी के साथ अपना संवाद बरकरार रखा है, इस बारे में उनकी ओर से अस्पष्टता की जरूरत है, उसके बाद ही कुछ समझ पर चर्चा की जा सकती है। यानी कि शरद पवार ये कह रहे हैं कि मायावती भी बीजेपी के संपर्क में है, जब इस पर वो रुख साफ करेंगी तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बातचीत की जाएगी। दूसरे जो प्रमुख नेता है लालू प्रसाद यादव, जो बिहार से हैं, राजद के हैं प्रमुख है, उन्होंने ये कहा कि उनको बुलाया है किसने है। यही ऐसा ही कुछ बयान कांग्रेस की तरफ से भी आया। आप ये दोनों बयान सुनिए। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के। हाँ, हम लोग बुला रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है मायावती जी को कि आप हमारे गठबंधन में आइए। वो दलित की नहीं दौलत की बेटी हो गई है। जिस तरफ दौलत है या जिस तरफ स्वार्थ है उस तरफ मायावती जी जा रही हैं, उनको शुभकामनाएं। आज की डेट में आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रही हैं मायावती जी, इमरान मसूद भी छोड़ करके चले गए, धीरे धीरे आप बुआ और भतीजे की पार्टी ही रह जाएंगी खाली। देश में दलितों के वोट का सौदा अब नहीं होगा। आरक्षण विरोधियों के साथ आपका गठबंधन खुले रूप से दिखाई दे रहा है। तो आपने सुना, एक तरीके से इंडिया गठबंधन में माहौल बनता नजर आ रहा है कि मायावती अब इससे बाहर है। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, अगर मायावती इस गठबंधन में नहीं आती हैं तो उत्तर प्रदेश में जो ये गठबंधन शेप लेता दिखता है उसमें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, इसके अलावा अपना दल कमेरावादी जिसकी मुखिया कृष्णा पटेल हैं, आप पल्लवी पटेल को जानते होंगे, वो पार्टी, साथ में जयंत चौधरी की आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल और मायावती के बरक्स चंद्रशेखर आजाद को शामिल किया जा सकता है। इस बात की चर्चा है,
कि मायावती की जगह चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं अगर मायावती इसमें नहीं जाती। हालांकि लोग ये कहते रहे हैं, ये सूत्र भी ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस ये चाहती है कि मायावती आए। मायावती क्यों आए, इसकी भी बड़ी वजह है। दरअसल मायावती के पास अभी भी 12% वोट है जो उनको लास्ट 2022 विधानसभा चुनाव में मिले थे। 2019 के लोकसभा में उनको 19% के करीब वोट मिले थे। लेकिन अगर मायावती इस वोट को ट्रांसफर करा लेती हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा जो है वो गठबंधन को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मायावती अभी इसके साथ जाती नजर नहीं आ रही। मूड ऑफ द नेशन जो अभी हाल फिलहाल में, अगर उसकी बात मानी जाए, अगर मायावती बिना गठबंधन के लड़ती हैं तो मायावती को इसका बहुत नुकसान होने वाला है। उनको 0 सीट यानी कि 0 मिल सकता है अगर इस स्थिति में चुनाव होता है। क्या मायावती किसी और के साथ गठबंधन बनाएंगी, क्या उस गठबंधन में ओवैसी होंगे? और अगर इस स्थिति में मायावती लड़ती हैं तो जानकारों का ये कहना है कि इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में हो सकता है। ऐसे में दलित वोट अगर मायावती के साथ जाता है तो जो PDA और इंडिया का नारा है वो फेल हो सकता है और BJP को यहाँ पर मार्जिन मिल सकती है। और अगर ओवैसी के साथ भी गठबंधन होता है तो मुस्लिम भी टूट सकते हैं अगर ये स्थिति बनती है तो। लेकिन अगर मायावती गठबंधन के साथ जाती हैं तो उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। उनके पास अभी भी 12% वोट बचे हुए, हालांकि वो कितना वोट अगर वह अकेले लड़ती हैं और बचा पाती हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई। दरअसल इंडिया गठबंधन का आयोजन यानी कि मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग हो रही है 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के जाने की पूरी संभावना है क्योंकि दोनों घोषणा कर चुके हैं कि वो दोनों जा रहे हैं। साथ में कौन जाएगा, क्या कमेरावादी भी साथ में जाएंगे या कोई और नया चेहरा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 4 नई पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में आ सकती हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं मीटिंग के पोस्टर के तौर पर जिसको लेकर ही बहुत चर्चा, जिसमें राहुल गांधी बहुत आगे नजर आ रहे हैं, बाकी जो नेता हैं वो पीछे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के सेंटर में होने की बात को लेकर एक बहुत तेज चर्चा है कि क्या ये जो इंडिया गठबंधन विपक्षीय एकता को लेकर बन रहा था उसको कांग्रेस अपनी तरफ खींच रही है, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि इस गठबंधन की मीटिंग में ये माना जा रहा है कि कन्वीयर तय किया जाएगा यानी कि संयोजक कौन होगा ये तय किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि पार्टियों में किस तरीके से सीट का बंटवारा होगा और कैसा स्केड्यूल है ये हम आपको बता देते हैं। तो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग है वो 31 अगस्त को होगी। सारे डेलीगेट्स का और गेस्ट को जो है 6:30 से 6:30 के बीच में उनको का वेलकम किया जाएगा। 6:30 बजे एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी, उसके बाद रात को 8 बजे डिनर होगा जिसे उद्धव ठाकरे होस्ट करेंगे जो महाराष्ट्र के पूर्व CM हैं और फिलहाल उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र की तरफ से एक बड़ी पार्टी है जो इंडिया में शामिल है। 1 तारीख को फोटो सेशन होगा 10:30 बजे, उसके बाद 10:30 से 2 बजे तक एक बड़ी मीटिंग होगी और इसमें बातचीत होगी। इसके बाद 2 बजे करीब एक लंच होगा और 3:30 बजे शाम को 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जब जब इंडिया गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तब तब कुछ ना कुछ देखने को मिला। एक बार आम आदमी पार्टी बगावत करके चली गई, अखिलेश यादव ज़्यादा बोलते नजर नहीं आए। सबकी निगाह है कि यूपी में किस तरीके से सीट का बंटवारा होता है, क्या कोई फॉर्मूला बन पाता है। और मायावती का तो इनकार आपने सुनी लिया है, क्या उनको लेकर अभी भविष्य में कोई दरवाजे खुले रहते हैं ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बात है दिन की तीसरी खबर पर। खबर है समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। दरअसल इंडिया गठबंधन से पहले समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह ने दावा किया है कि भैया जो PM फेस है उस PM फेस पर अखिलेश यादव हो सकते हैं। क्या कह रही हो सुनिए। क्या अखिलेश यादव का चेहरा भी आपकी पार्टी उठाएगी कि उनको भी PM बनाया जा सकता है, PM कैंडिडेट हो सकते हैं, एटलीस्ट भले अनाउंसमेंट न हो? अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई दावा नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहेगा कि उनका नेता एक PM की कुर्सी तक पहुंचे, और किसी न किसी दिन पहुंचेंगे भी, उनमें ये काबिलियत है। फिलहाल प्राइम मिनिस्टर के कई चेहरे हैं और सामूहिक रूप से ये तय कर लिया जाएगा कि कौन उस कुर्सी पर बैठेगा। पहले हमारे सामने चुनौती है कि हम इस सरकार को हटाएं और अपनी सरकार बनाएं। मान लेते हैं कि जब चुनाव नजदीक आता है एक छटनी होती है, तैयार होता है कि ये 3-4 चेहरे हो सकते हैं जिनमें से हमें एक डिसाइड करना है, तो आप लोग क्या चाहेंगे? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं और अखिलेश यादव के साथ आपने कई कैंपेनिंग में आप लोग भी गए हैं, आप कैसे देखते हैं? स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा उनमें से हो, और होना भी चाहिए, होगा भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हम सबसे मजबूत दल है, मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन फिर मैं कह रही हूं कि एक परिपक्वता है, गंभीरता है, तो प्रधानमंत्री चुनने में हमें कोई कठिनाई नहीं।
तो एक तरफ गठबंधन चल रहा है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, दूसरी तरफ पीएम फेस की बात हो रही है। फिलहाल इंडिया में तो मायावती बाहर दिख रही हैं, अखिलेश यादव क्या करेंगे, जयंत क्या करेंगे, क्या सीट बंटेगा, ये जरूर आपको यूपी तक पर पता चलेगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।